योगी तो यहाँ पर मिले नहीं, वो आए नहीं और वो कहीं दूसरे काम में रहे होंगे व्यस्त। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से उनसे बात हुई बराबर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हाँ उन्होंने जो यहाँ के अफसर है एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, उन्होंने मेमोरेंडम लिया और उन्होंने वायदा किया कि हम लोग इसको बाइज्जत आपकी को वहाँ मुख्यमंत्री से भिजवाएंगे और आपको भी इसका एक्नॉलेजमेंट देंगे। इसलिए आपने जो बातें कही हैं रखी हैं वो डिस्कस काफ़ी हुई और उन्होंने हमारी बात को एग्री किया। सरकार में वो आज इसको भिजवा देंगे, अभी अभी फैक्स के माध्यम से भिजवा देंगे और फिर वैसे भी। आपने मांगे क्या रखी हैं, मुख्य मांगे क्या रही आपकी? मुख्य मांगे हमारी है कि जो मुकदमे चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वे सारे विड्रा हों, जो राशि पर लगाई है वो भी विड्रा हो। और जो उच्च न्यायालय का फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसका सम्मान किया जाए, उसके सम्मान करते हुए जो उसको तुरंत रिहा किया जाए। ये जो धारा लगाई है इसको तुरंत, यदि योगी सरकार यदि ये रासुका नहीं हटाती है चंद्रशेखर रावण के खिलाफ तो क्या करेगी भीम आर्मी? यदि नहीं चेतती है योगी सरकार, यदि होश में नहीं आती है तो हम लोग होश में लाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं फिर भी मानती है तो हम लोग यहाँ भी और देश में सब जगह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में हम लोगों को जगाएंगे। सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, जो व्यवहार उनका चल रहा है वो देश के दलितों के खिलाफ है। और यदि वे होश में नहीं आते हैं तो हम उनको चुनाव में भी और जो हमारा सड़कों पर भी जो भी हमारा आंदोलन होगा वो शांतिप्रिय तरीके से पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या कोई अगला कार्यक्रम भी आप लोगों ने तय किया है? वो कमेटी, कोर कमेटी हमारी बैठेगी तो हम उसकी डेट निश्चित करेंगे। पर यह निश्चित है कि यदि अभी जल्दी में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे देश लेवल के ऊपर हम दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की होगी। और इसमें जो भी होगा हम लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के ऊपर बराबर दबाव बनाएंगे। यदि सरकार को इंसाफ के लिए कहेंगे, यदि वो इंसाफ नहीं करते हैं, वो हमेशा इस तरह की नीति अपनाए हैं, इसमें अन्याय हो रहा है। अन्याय की बजाय हम न्याय करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे तो जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम भी करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू।